इज निफ्ट एग्जाम टफ? ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है, देन मेरा एक सिंपल आंसर है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई आई एम सेइंग सो, लेट मी एक्सप्लेन। नंदो बासु, जो मेंटर फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन, अगर आप ऑनलाइन जाते हो, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, आपको बहुत आंसर मिलेगा इसके बारे में। कोई बोलेगा इजी, कोई बोलेगा टफ, बोलेगा वेरी सिंपल। डोंट बी मिसगाइडेड। निफ्ट एग्जाम जो है ना, वो एक स्पेसिफिक चैलेंज है। हम लोगों को पता है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम लोगों को पता है पैटर्न क्या होगा, हम लोगों को पता है सिलेबस क्या होगा। कुछ भी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस वहाँ पे आते नहीं है। बट टफ है कि इजी है, इसका आंसर देता है आपका खुद का प्रिपरेशन। इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेरी इंटेलिजेंटली, वेरी वेल एंड मेथोडिकली, देन निफ्ट इज अ वेरी इजी एग्जाम। निफ्ट के जो जूरी है, जो ये पेपर देखेगा आपका, वो लोग सोचते क्या है, वो एक्चुअली चेक क्या करते हैं, किस बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है, अगर वो आपको पता हो, देन यू आर स्मार्ट एनफ टू क्रैक योर निफ्ट एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। इतना तो आपको पता है कि जो निफ्ट का एग्जाम है वो दो राउंड पे होता है। फर्स्ट राउंड प्रिलिमिनरी, जिसमें सब बैठते हैं, उसके बाद जो भी सिलेक्ट होता है उसमें से, उनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाता है, जिसको सिचुएशन टेस्ट बोलते हैं। सो कैट जो है इसका फुल फॉर्म है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, एंड जो गैट है इसका फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। पहले एक बार इसकी वेटेज समझ लेते हैं। इन टोटल एग्जाम प्रोसेस में कैट का वेटेज है 50%, गैट का वेटेज है 30%, एंड जो सिचुएशन टेस्ट है उसकी वेटेज है 20%। दिस इज टोटल 100%। नाउ लास्ट टू ईयर जो है वो सिचुएशन टेस्ट हो नहीं रहा है, तो कैट गैट के नंबर ही चल रहे हैं। बट अभी आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग टोटलिटी को लेके चल रहे हैं, बिकॉज अगर कुछ भी प्रोसेस चेंज होता है तो हम लोग नोटिफाई डेफिनेटली करेंगे आप लोगों को। सो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैट और गैट में आपके इवोल्यूशन होता कैसे है। अब ये चीज़ समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। निफ्ट का मतलब है फैशन डिजाइनिंग, मेजर यही दिमाग में आता है। फैशन के साथ साथ वहाँ पे नीटवेयर डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन, फुटवेयर डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जो एग्ज़ाम होता है ये सब सब्जेक्ट्स को मिला के होती है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें डायरेक्टली कोई फैशन फिगर और फैशन रिलेटेड चीज़ें ड्रॉ नहीं करना होता है, बिकॉज वो निफ्ट आपको सिखाएगा। जो वो लोग देखना चाहते हैं वो ये है कि आपके पास तीन क्वालिटी है कि नहीं, इसी का ही टोटल एग्जाम है। ये क्वालिटी तीन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल स्किल, सेकंड डिजाइन अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड डिजाइन और क्रिएटिव थिंकिंग। और इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी डिजाइन एस्पेक्ट पे क्वेश्चन देता है इस सेगमेंट, या कभी क्रिएटिव एस्पेक्ट पे देते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूँ। याद रखना, मैं कैट की बात कर रहा हूँ, जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है। उसमें एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल का टेस्ट होता है। एक दो क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। काफी साल पहले एक क्वेश्चन था कि यू आर अ लेजर्ड, आप ड्रॉइंग रूम के वॉल पे स्टक हो एंड आप ड्रॉइंग रूम को देख रहे हो, तो आपके आंखों से पूरा ड्रॉइंग रूम कैसा दिखता है? सो ऑब्वियसली ये एक टॉप व्यू पर्सपेक्टिव का टेस्ट है। अब समझना है कि जब ड्राइंग रूम बोल रहा है, वो ये समझने की कोशिश करता है आपको ड्राइंग रूम का इंटीरियर के बारे में क्या आइडिया है, आप एक ड्राइंग रूम को डिज़ाइन कैसे करते हो, ड्राइंग कैसे कर रहे हो, बहुत सारे फर्नीचर्स वहाँ पे बनेगा, तो पर्सपेक्टिव चेक हो रहा है। ये कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशनल चेकिंग है। वन ईयर ऐसे आए थे कि एक क्लॉथ है वो सूख रहा है, तो उसकी स्टेजेस ड्रॉ करनी है सूखने का। ऑब्वियसली ये गीला क्लॉथ, उसकी क्या डेंसिटी होती है, कैसे करके रहते हैं, वो जब सूख रहा है वो किस तरह से ओपन अप हो रहा है, कैसे हल्का हो जा रहा है, तो वो भी आपके ड्राइंग के थ्रू आना चाहिए। तो ये प्योरली एंड हार्डकोर लेवल पे आपका ऑब्जर्वेशनल जो स्किल है, आपकी जो ड्राइंग स्किल है, आपकी जो शेडिंग स्किल है, उसका टेस्ट है। शेडिंग के बारे में वो लोग बोल देंगे शेडिंग करना है कि नहीं, बट ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग का टेस्ट तो डेफिनेटली है। याद रखना, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप ये मत बोलना कि मैं अपने क्रिएटिविटी से इसमें पास कर जाऊंगा। ये प्योरली आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल का टेस्ट है। अगर ये अच्छा है देन यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, और अगर ये आप अच्छा नहीं कर पाते हो, आपकी लाइन टेढ़ा मेढ़ा होता है, लाइन वीक होती है, पर्सपेक्टिव खराब हो रहा है, कंपोजिशन खराब है, तो ये आपका खराब हो रहा है पेपर। सो टफ और इजी के जो पैरामीटर था उसमें ये आते हैं कि ये अगर आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस्ड है अच्छे से, देन इट इज इजी, अदरवाइज इट्स टफ। इट्स एक्चुअली टफ क्वेश्चन, मैनेज करना मुश्किल होता है कि अगर दिमाग में नहीं आते हैं तो। नाउ इसकी जो सेकेंड क्वेश्चन है, जिसको मैंने बोला था डिजाइन थिंकिंग एंड डिजाइन अंडरस्टैंडिंग, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिजाइन फील्ड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं। आसान क्वेश्चन होगा कि अगर तुमको पोस्टर बनाने के लिए बोले, स्टैम्प बनाने के लिए बोले, देन इसमें पिक्शनरी हो, लोगो, सिम्बॉल, इस तरह के काफी चीजें हैं
जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आते हैं, आपको सीधा बनाने के लिए बोला जाता है एंड आपको एक सिचुएशन दिया जाता है या एक स्टोरी दिया जाता है कि उसके बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है या आपको कॉज दिया जाता है कि किसके लिए आपको डिज़ाइन करना है। तो ये कम्प्लीटली ये वाला जो सेगमेंट है ये एक ईजियर सेगमेंट है जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि एक अगर मेरे को ऐड बोल रहा है तो ऐड कैसे डिज़ाइन होते हैं, एक न्यूज़पेपर ऐड कैसे डिज़ाइन होता है, एक पोस्टर कैसे डिज़ाइन होगा, एक सोशल पोस्टर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक स्टैम्प में क्या क्या पॉइंट्स एकदम आना चाहिए। सो ये सब चीज़ें अगर आप जानते हो अगेन देन इजी, बट एक चीज़ है अंदर जो भी ड्रॉ करना है आपको ड्रॉ करना है एंड इस पे ये पर्टिकुलर जो काम है इसमें थोड़ा बहुत आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, उसको समझने की कोशिश किया जाता है। ऐसा कोई चैलेंज दिया, ऐसा कोई टास्क दिया करने के लिए जिसमें आप थोड़ा सा उसको टर्न ट्विस्ट कर सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सो क्रिएटिविटी का अगर बात हम लोग करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत यूज होते हैं इसमें, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए जो भी वो लोग दे रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए, उसमें एग्जैक्टली क्या आते हैं क्या नहीं आते, एंड जो ड्राइंग है वो अच्छा होना आपके लिए अच्छी बात है। देन आपको अपनी चॉइस की जो सीट्स है वो आसान हो जाता है मिलना, बिकॉज रैंक अच्छे होंगे। याद रखना कि नीफ्ट में अगर 4000 बच्चों को ले रहा है तो कोई रैंक 1 भी हो रहा है, कोई 4000 भी हो रहा है। सो पहला जो 100-150 लोग है जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं अपना सीट चूज करने के लिए, वो लोग एक्चुअली सारे पैरामीटर्स पे अच्छे करते हैं। ये नहीं है कि मेरा ड्राइंग खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब है, मैनेज कर ली, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छे होता है। तो आप अगर चाहते हो आपके पास पूरा फ्रीडम हो कि आप अपने मर्जी के कोर्स, अपने मर्जी के निव सेंटर चूज़ करोगे, तो आपको सब कुछ ढंग से, तरीके से और अच्छे तरीके से आना ज़रूरी है। अब आता है थर्ड सेगमेंट। इसमें जनरली क्या होता है ना, इसमें कुछ ऐसा काम दिया जाता है जो मैंने बोला है कि आइदर क्रिएटिव थिंकिंग या डिज़ाइन थिंकिंग के पार्ट आता है, क्योंकि बहुत टाइम भी इसमें फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए बोलता है, कुछ भी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बोलता है। कभी यहाँ पे ऐसे चीज़ पे चला जाता है कि कुछ वर्ड दे दिया, बोला कि इस वर्ड से आप एक पैटर्न ड्रॉ करो, मल्टीपल इमोशन दे दी, इस इमोशन को आप कलर पे दिखाओ या कोई एक डिज़ाइन फॉर्मेट बना के दिखाओ। तो इस तरह का क्रिएटिव एबिलिटी एंड डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आपको देखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को आप एक ड्राइंग डिज़ाइन पैटर्न पे कैसे कन्वर्ट कर लेते हो, बिकॉज जब आप डिज़ाइनर बनोगे आप कोई भी एक एलिमेंट देखोगे उस एंड उससे इंस्पायर्ड अपना डिज़ाइन बनाओगे। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन चेक करते हैं कि आपके दिमाग में किस तरह का इंस्पिरेशन है और जो भी सब्जेक्ट दिया जा रहा है उस पर इंस्पायर्ड होकर आप क्या बना सकते हो। तो ये गए कैट के 3 सेगमेंट और ये क्या बेसिस है जिस पे आप इवेल्युएट होते हो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कुछ चीज़ें और समझना है। आसकास गैट होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये 30% वेटेज कैरी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग इस पे फोकस करते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में मैं ज़्यादा नंबर लूँ। जनरल एबिलिटी टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाना कंपैरेटिवली इजी है, बिकॉज यहाँ पे जो काम है वो आपने जो पढ़ाई किया है 10th तक मेजरली उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड जैसे एग्जाम पे हम लोग होता है ना कोई कुछ इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट कंपैरेटिवली इजी स्कोरिंग है अगर आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो वाला पाथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो, क्योंकि इसमें आपको मैथ के ऊपर आएगा, पर मैथ जो क्लास 10 तक का मैथ है उस पर ही आते हैं। तो क्लास 10 तक आपने ढंग से मैथ किया है तो आपके लिए आसान है, क्योंकि मैथ से बहुत डर लग रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। जीके आएगा, जो जीके होता है यहाँ पे करंट अफेयर से आता है। तो ये ऑब्वियसली एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके 1-2 महीने पहले ये क्वेश्चन बना है, तो जो जीके के लिए प्रिपरेशन है वो जो करंट अफेयर है उसके पहले का, एकदम रिसेंटली एक वीक पहले का पढ़ के फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम टाइम के 1 महीने पहले से स्टार्ट करके और पीछे चल के 6 महीने तक, 1 साल तक जो भी इंसिडेंट हुआ है, मेजर इंसिडेंट, जो फैशन रिलेटेड इंसिडेंट, फैशन शो हो गया, मूवी का कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो गया, किसी को किसी अवार्ड मिला डिज़ाइनर को, तो इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास होना चाहिए। और अदर देन दैट जनरल जो भी करंट अफेयर है वो पॉलिटिकल करंट अफेयर हो या स्पोर्ट्स हो वहाँ से आ सकते हैं। जैसे इस बार ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है। और जो होता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में जनरली ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी कुछ लिखने के लिए भी बोलते हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर जब आप डिज़ाइनर बन के आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन, एंड इंग्लिश अगर आपका अच्छा ना हो तो इस फील्ड में कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है। सो इंग्लिश का टेस्ट वो लोग लेते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट गेट पे नेगेटिव मार्किंग है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि आप 4 गलत आंसर देते हो तो 1 क्वेश्चन का नंबर आपको चला जाता है, सही का नंबर चला जाता है।
बट ऐसा नहीं है कि चार गलत होने के बाद ही जाएगा, बेसिकली 0.25 करके मार्क्स काटते हैं, एंड अगर चार होता है तो पूरा एक सही क्वेश्चन का मार्क्स ये कट जाते हैं। तो ये हो गया कैट एंड गेट की डिस्कशन। बट एक बात बहुत ज़रूरी है, जो बी एफ टेक के स्टूडेंट है उनके लिए कोई कैट नहीं है, इवन मास्टर्स पे एम एफ टेक इनके लिए कोई कैट नहीं है, बी एफ टेक एम एफ टेक छोड़ के बाकी सबको देना पड़ता है। सो बी एफ टेक के लिए स्पेशली जो गैट है वही 100% है, और ये जो 20% सिचुएशन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो बी डिज़ाइन के लिए है, बट जब मास्टर्स के लिए होता है, एम डिज़ाइन होती है, एम एफ एम होता है, उनके लिए उसके बदले में सिचुएशन टेस्ट के बदले में जी डी पी आई होता है। जी डी पी आई मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। पी आई जो है वो एम एफ टेक के लिए भी होते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, एंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि किस बेसिस पे क्यों आपको इवेलुएट किया जाता है। प्रिपरेशन आपको उस तरह से करना चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड यू कैन सिक्योर योर फेवरेट सीट एंड फेवरेट कोर्सेज। बट एक चीज़ गलती होती है, वो गलती होता है सिचुएशन टेस्ट में। सिचुएशन टेस्ट इस पूरे जर्नी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि सिचुएशन टेस्ट में आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे बैठ के काम करना पड़ता है, और आपका जो भी काम है वो सेंट्रली मार्क्ड नहीं होते हैं। मतलब ये जो भी कैट और गैट के पेपर है वो दिल्ली में आते हैं, फिर आपको नंबर दिया जाता है, चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, बट सिचुएशन टेस्ट के लिए आप जिस सेंटर पे जा रहे हो उधर ही काम छोड़ के जाओगे, और उधर ही जो जूरी होता है वो देख के आपको मार्क्स देता है। तो इसमें एक बेनिफिट मिलते हैं, वो ये है कि आप अगर किसी भी ऐसे सेंटर में गए वहाँ पे जनरली बच्चे ख़राब काम कर रहे हैं और आपका अच्छा है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, बट कंपैरेटिवली है तो आपका काम किसी दूसरे सेंटर के हिसाब से ख़राब काम था, बट फिर भी आपको मिला बिकॉज आपके सेंटर में बाकी लोग आपसे ख़राब काम किया। तो ये एक ऐसा गेम चेंजर है कि जो कंट्रोल पर नहीं होता है, बिकॉज वो सारा काम दिल्ली आके उस पर उसके बाद मार्किंग नहीं होती है, जो जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे मार्किंग होती है। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ एंड करता हूँ हर साल के सिचुएशन टेस्ट के लिए उठ के दिल्ली मत आ जाना, बिकॉज सबसे डिफ़िकल्ट जूरी, सबसे डिफ़िकल्ट जो जज है वो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के बड़े बड़े सेंटर में होंगे। छोटे छोटे सेंटर में कभी कभी ये होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट है उसके काम थोड़ा वीकर हो, और आप जब अच्छे काम कर रहे हो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिल रहा है। याद रखना ये जो ट्रिक है, ये गलती बहुत लोग करते हैं, सोचते हैं दिल्ली में आके करूँगा तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, बट दिल्ली में नंबर कम मिलता है बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा अच्छे होता है, सेम एज मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, जो मेजर सेंटर्स है। एंड सिचुएशन टेस्ट में और एक गलती बच्चे करते हैं, वो क्या है, सिचुएशन टेस्ट की जो राइटिंग सेगमेंट है उसमें वेटेज होती है, उस पे के लिए नंबर मिलते हैं। लोग ये सोचते हैं कि जो राइटिंग है वो राइटिंग सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए है कि तुमने क्या बनाया, ऐसा नहीं है। ये जो राइटिंग है, इस राइटिंग में आपकी कंटेंट राइटिंग की जो एबिलिटी है, क्रिएटिव राइटिंग की जो एबिलिटी है, उसको टेस्ट किया जाता है। राइटिंग अगर बहुत सुंदर है तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिल सकते हैं। सो राइटिंग पे ध्यान देना, क्रिएटिव राइटिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग को लेके अगर और भी कुछ जानना है, समझना है, इवन पूरे सिचुएशन टेस्ट को लेके, ज़रूर आप लोग हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करते हैं, ये चल रहा है, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अगर पार्ट लेना है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, विल गेट द इन्फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा और भी कुछ अगर जानना है एग्जाम प्रोसीड्योर के बारे में, व्हाट्सएप, डीएम और इनबॉक्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।